प्रयागराज जिले के अदरसुइया थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई में 9 सट्टेबाजों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए सट्टेबाजों के कब्जे से 3,86,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं इस मौके पर पुलिस ने बड़ी वारदातों का खुलासा करने का दावा भी किया है। इसके साथ में पुलिस ने एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज ये 3 अलग अलग स्थानों में बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है, उसकी सक्रिय गिरह के 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 3,86,000 लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ है। 20 मोबाइल फ़ोन, 1 पावर बैंक, 1 लैपटॉप और 2 बाइक बरामद हुए हैं। इसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और अंकित जायसवाल, नितिन साहू, मोनू साहू, विवेक साहू, नवनीत राय, सिंटू केशरवानी, सचिन अग्रहरी, कौशल सोनी और अंकुर गुप्ता, इनके पास जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो आपको बता दी गई हैं। टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये जो एक मेन मोबाइल के द्वारा ये लोग काम करते थे, एक तो मुख्य मोबाइल से सट्टेबाजी करते थे, वो मुख्य लाइन होती थी, इसके अलावा दूसरी लाइन पर अन्य सट्टेबाजों का लगा करके सट्टेबाजी की जाती थी। इस प्रकार से आचार संहिता के अंतर्गत ये जुएबाजी सट्टेबाजी की घटना, इन पर अंकुश लगा करके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस समय में अपराध में भी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।